बेंगलुरु में श्रद्धा वोकर हत्याकांड जैसे मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक फ्लैट में महिला के शव के टुकड़े मिले हैं। शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था। महिला की पहचान महालक्ष्मी के तौर पर हुई है। महालक्ष्मी पिछले 9 महीने से अपने पति हेमंत दास से अलग रह रही थी। इस मामले में अब मृतक महिला के पति हेमंत दास ने बड़ा दावा किया है। हेमंत दास ने दावा किया है कि उसकी पत्नी अशरफ नाम के युवक के साथ रिश्ते में थी और दोनों के बीच अनबन हो गई। अशरफ उसे ब्लैकमेल कर रहा था और शायद इसीलिए उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया है। हेमंत दास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसने अपनी पत्नी से करीब 1 महीने पहले मुलाकात की थी जब वह अपनी बेटी से मिलने आया था। हेमंत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि महालक्ष्मी के रिश्ते कुछ महीने से अशरफ के साथ थे और उसके साथ ही वह फ्लैट में रहती थी। तो वहीं बता दें कि पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी जारी है और अब तक इस कांड में उसके शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि कातिल ने महालक्ष्मी के शव के 30 नहीं बल्कि 50 टुकड़े किए थे। इस बीच एक अन्य शख्स पुलिस का संदेह गहरा रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह ओडिशा या फिर बंगाल का रहने वाला है। वह अक्सर महालक्ष्मी से मिलने आया करता था। फिलहाल उस शख्स की ही तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि महालक्ष्मी का शव फ्लैट में 30 टुकड़ों में मिला था। महालक्ष्मी की मौत का पता तब चला जब उसके पड़ोसियों को फ्लैट से बदबू आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो हर कोई हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी की हत्या 2-3 दिन पहले की गई थी। जब पुलिस फ्लैट में पहुंची तो उसने पाया कि वहां एक बैग भी रखा था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी महालक्ष्मी के शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की फिराक में था। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि घटना के बारे में तब पता चला जब पड़ोसियों ने महालक्ष्मी की मां मीना राणा को फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की। जब मीना फ्लैट में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि घर की हालत बेहद खराब है। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। रसोई के पास कीड़े रेंग रहे थे और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। मृतका की मां ने जब फ्रिज खोला तो उसमें शव के टुकड़े नजर आए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए और कहा कि आरोपी ने बदबू रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव किया था। इसके बाद वो पूरे घर में ताला लगाकर भाग गया था। पुलिस को कमरे में महालक्ष्मी का फोन मिला है जो 2 सितंबर से बंद था। पुलिस जिस चीज पर सबसे ज्यादा हैरान है वह यह है कि घर में खून का एक दाग तक नहीं मिला। महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े तो पाए गए हैं लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं मिल पाया। पुलिस का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए हत्यारे ने बहुत ही चालाकी से खून के धब्बे ही खत्म कर दिए। शायद इसके लिए किसी खास केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पुलिस ने FSL की टीम को बुलाया था जिसने कोना कोना खंगाल लिया लेकिन खून का एक दाग तक नहीं मिला। महज एक दाग फ्रिज में खून का पाया गया है। इससे संदेह है कि किसी खास केमिकल से हत्यारा पूरा खून साफ कर चुका है। आपको बता दें कि जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है अशरफ, वो उत्तराखंड का रहने वाला है। वह बेंगलुरु में एक नाई की दुकान में काम करता था। हेमंत दास ने बताया कि उसकी शादी महालक्ष्मी के साथ सिर्फ 6 महीने चली थी। यानी कि जो महालक्ष्मी के पति हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ जो उनकी शादी है महालक्ष्मी की, वो 6 महीने ही चली थी। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे और महालक्ष्मी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और उसने बेंगलुरु आना छोड़ दिया। हेमंत दास ने दावा किया कि उसकी पत्नी और अशरफ के बीच अवैध संबंध थे। हेमंत ने आशंका जताई कि अशरफ ने ही उसका कत्ल किया है। तो वहीं मृतिका महालक्ष्मी की बात की जाए तो महालक्ष्मी का परिवार नेपाल से है लेकिन 35 साल पहले वे कर्नाटक के नेलमंगला में आकर बस गए थे। मृतिका के एक पड़ोसी ने कहा कि महालक्ष्मी ने कभी उनसे बातचीत नहीं की। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि एक व्यक्ति सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस छोड़ता था। मिली जानकारी के मुताबिक महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। बीते 3 महीने से वह बेंगलुरु में एक किराए के घर में रह रही थी। मृतिका की मां ने PTI को बताया कि इमारत के मालिक ने मुझे बताया है कि घर से बदबू आ रही है। जब मैंने आकर दरवाजा खोला तो मैंने महालक्ष्मी का शव टुकड़ों में कटा हुआ देखा। मैंने उसे आखिरी बार रक्षाबंधन के त्योहार पर देखा था, तब से उसका फोन बंद है। मृतिका महालक्ष्मी के पूर्व पति ने भी बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के व्यक्ति से अफेयर था और वह दोनों एक साथ उसके फ्लैट पर रहते थे।
वह एक नाई की दुकान पर काम करता है। तो वहीं मामले में दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने बेंगलुरु पुलिस से 3 दिनों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही है। तो वहीं इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री गंगाधरैया परमेश्वर ने कहा कि केस में कई अहम जानकारियां हाथ लगी है जिन्हें अभी शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही इसमें शामिल लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या में एक ही शख्स शामिल है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन जब तक और जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ भी नहीं कह सकते। महालक्ष्मी हत्याकांड में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर दयानंद ने बताया कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने दूसरे संदिग्ध आरोपी की पहचान बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी बाहरी है। फिलहाल पुलिस महालक्ष्मी के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। अब तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि महालक्ष्मी के ऐसे भयानक कत्ल की क्या वजह रही होगी। पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण भी तभी पता चल सकेगा जब हत्यारा पकड़ में आएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महालक्ष्मी के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जो इतनी संवेदनशील है कि उसे हम आपको दिखा तक नहीं सकते। 18 मई 2022 को दिल्ली के छत्रपुर इलाके में रहने वाले अफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वोकर की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इस केस को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इस केस में भी इसके बाद श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर 300 लीटर के फ्रिज में रखे गए थे। हालांकि इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।